नमस्कार। डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। हमारा अभी जो ये सिलेबस चल रहा है, ये बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम इकाई सुदामा चरित खंड काव्य नरोत्तम दास जी की महत्वपूर्ण व्याख्या चल रही है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि इसमें हमारी 44 व्याख्याएँ हैं, जिसमें से हम 21 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। अब इसकी जो अगली व्याख्या है वो इस प्रकार है। डीठी चका चौंधी गई देखत सुबरन मई, एक ते आछे एक द्वारिका के भोन है। पूछे बिनु को कहूं काहू सो न बात करे, देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। देखत सुदामा धाये पोर जन गहे पाए, कृपा हरि कहो विप्र कहा कीनो गुण है। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। डीठी माने दृष्टि, सुब्रनमयी माने स्वर्णमयी, भोन माने भवन, धाय माने दौड़कर, परिजन माने पोरजन माने पूर्वासी व्यक्ति, कहे माने ग्रहण किया पकड़ लिया। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से लिया गया है। द्वारिका पहुंचकर सुदामा को कैसे अनुभव हुआ और आगे क्या हुआ, उसी का यहाँ वर्णन है। डीटी चका चौंधी गई देखत सुबरन मई, द्वारका के स्वर्ण जड़ित महलों की चमक देखकर सुदामा की दृष्टि चका चौंध हो गई। देख एक ते आछे एक द्वारिका के भोन है। वे सोचने लगे कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक द्वारिका के महल हैं। पूछे बिनु को कहू काहू सो न बात करे, कह रहे हैं पूछे बिनु को कहू, पूछे तो कोई किसी से बात, यहाँ बिना पूछे कोई भी किसी से बात नहीं करता है। काहू सुन बात करे, यहाँ सब ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कि जैसे मौन व्रत धारण कर रखा हो, कि मौन धारण किए हुए देवता बैठे हुए हो। देवता से बैठे सब सादी सादी मौन है, कि जैसे देवता मौन धारण करे हुए बैठे हुए हैं। देखत सुदामा धाये पोर जन कहे पाए, कह रहे हैं देखत सुदामा की सुदामा को देखकर पूर्ववासी व्यक्तियों ने, वहां के व्यक्तियों ने दौड़कर उनके पैर छुए, उन्हें सम्मान दिया। जन गहे पाए, वहाँ के लोगों ने, जन माने लोगों ने, जाकर पाए उनके पाँव को छुआ। ग्रहण गहे माने ग्रहण करना पकड़ना पकड़ लिया। कृपा हरि कहो विप्र कहा किन्हो गुण है, कि हे ब्राह्मण कृपा करके बतलाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब सुदामा ने पूर्ववासी लोगों से कहा कि धीरज अधीर के हरण पर पीर के, कि जो धैर्य खो चुके व्यक्तियों के धैर्य हैं उन्हें धैर्य बंधाने वाले हैं, दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। कि हे जनमानस मुझे बताओ उसके बारे में जो दुनिया की
दूसरों की दुखों की चिंता करता है, उनकी पीड़ा को दूर करता है, लोगों को धैर्य बंधाता है। उस बलवीर कृष्ण के महल इनमें से कौन है मुझे बताओ। इस व्याख्या से ये पता चलता है कि द्वारकापुरी के धन वैभव कितने अत्यधिक थे, वहाँ के लोगों का व्यवहार भी पता चलता है। यहाँ उपमा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट व्याख्या है हमारी, दीन जानी काहू पुरुष कर गति लीनो आए, दीन द्वार ठाड़ो कियो दीन दयाल के जाए, द्वार पाल द्रिज जान के किनी दंड प्रणाम, विप्र कृपा करिभाषिये सकुल आपनो नाम। काहू माने किसी का और कर माने हाथ। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास द्वारा लिखा हुआ है। द्वारका के लोगों ने सुदामा का अभिवादन किया है और सुदामा ने उनसे कृष्ण के महल के बारे में पूछा है। तब कोई व्यक्ति उसे कृष्ण के द्वार पर ले गया, इसी क्रम का यहाँ वर्णन किया गया है। दीन जानी काहू पुरुष कर गही लीनो आए, कोई व्यक्ति सुदामा को दीन समझकर उसका हाथ पकड़कर दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के दरवाजे पर ले गया। दीन द्वार ठाड़ो कियो दीन दयाल के जाए, और उसे वहाँ खड़ा कर दिया। वहाँ पर द्वारपाल ने उसे ब्राह्मण समझकर दंडवत प्रणाम किया। द्वारपाल दिजी जान के कीनी दंड प्रणाम, द्वारपाल ने उसको द्विज माने ब्राह्मण जानकर उसको दंडवत प्रणाम किया। विप्र कृपा करी भाषिये सकुल आपनो नाम, उसने सुदामा से कहा कि हे ब्राह्मण कृपा करके मुझे अपने कुल का नाम बताइए। तब सुदामा बोले कि मेरा नाम सुदामा है, मैं और कृष्ण एक साथ पढ़े हैं। तब सुदामा कहते हैं, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानी है गाथ, द्वारपाल चलितह गयो जहाँ कृष्ण यदुराए, हाथ जोड़ ठाड़ो भयो बोल्यो शीस नवाए। तब सुदामा जी कहते हैं कि मैं और कृष्ण, मेरा नाम सुदामा है और कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कृष्ण और मैं एक साथ ही पढ़े हैं। कुल पांडे ब्रजराज सुनी, मेरा कुल पांडे है, मेरे बारे में सुनकर ब्रज के राजा कृष्ण सारी बातें स्वयं जान जाएंगे। द्वारपाल चलित गयो जहाँ कृष्ण यदुराए, तब द्वारपाल चलकर वहाँ गया जहाँ यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण विराजमान थे। हाथ जोड़ी ठाड़ो भयो बोल्यो शीस नवाए, तब द्वारपाल चलकर यदुवंश के स्वामी के पास गया और द्वारपाल कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और फिर अपना सिर झुकाकर उनसे कहने लगा। यहाँ पर इस व्याख्या से ये ज्ञात होता है कि द्वारकावासी ब्राह्मण व्यक्ति के प्रति कितना सम्मान भाव रखते हैं, वो कितने अच्छे आचरण से कितनी शिष्टता से श्री कृष्ण के पास उसको लेकर आए हैं। नेक्स्ट व्याख्या में, अगली व्याख्या में बताया गया है कि द्वारपाल क्या कह रहा है।
सीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही पसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानहु की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कह रहे हैं कि उवाच माने बोला, सीस माने सिर, पगा माने पगड़ी, झग्गा माने लंबा चौगा, अंगरखा माने आही माने है, केही माने किस, उपनाहु माने जूते, वसुधा माने पृथ्वी और अभिरामा में सुंदर। सुदामा का परिचय प्राप्त करके द्वारपाल उसकी सूचना देने श्री कृष्ण के पास जाते हैं। उसने श्री कृष्ण से जो कुछ निवेदन किया यही उसी का वर्णन है। सीस पगा न झगा तन में, श्री कृष्ण के सामने द्वारपाल ने कहा कि हे प्रभु, न जाने कौन व्यक्ति है, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, जाने कौन से गांव का है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर अंगरखा भी नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, वह फटी सी धोती और फटे पुराने दुपट्टा धारण किए हुए हैं, पाए उपानहु की नहीं सामा, उसके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल एक, वह दुर्बल ब्राह्मण है जो द्वार पर खड़ा हुआ है। चाकी सो वसुधा अभिरामा, और यहाँ की सुंदर धरती को देखकर चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह दीनदयाल श्री कृष्ण आपके बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। यहाँ सुदामा की दीनहीन अवस्था की सूचना देने वाली द्वारपाल के बारे में वर्णन हुआ है। अनुप्रास और परिकर अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।